अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम्स 24 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए तफसीलात पर नज़र डालते हैं। और जो गुजरे में इसमें चार लोग आइडेंटिफाई है, उनका भी आज गिरफ्तार किए। रईस जाबरी, आदिल जाबरी, सईद जाबरी, सादुद्दीन साले जाबरी, ये चारों भाया उसके इसमें क्या है कि पहले ये आदमी हामिद जुबैदी दुबई में रहता था और ये चारों लोग भी दुबई में ही रहते थे। इनका हमिद जाबरी इज ए परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड ऑफ दुबई ऑल्सो, तो कभी कभी इंडिया आता था अपने फैमिली को देखने के लिए, लेकिन ये लॉकडाउन के वजह से आके यही रुक गया। जो अप्रैल मई में जो 6 महीने पहले जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद फ्लाइट्स भी कम हो गए, तो यही रह गया। 2019 में जब ये चारों मुजरिम ये वन जो है मुजरिम रईस जाबरी दुबई से आने के टाइम पे उसको कुछ सामग्री दिया अमित जाबरी इंडिया ले जाने के लिए, और ये शमशाबाद एयरपोर्ट में उनको चेकिंग के वक्त वो तो इसमें पता चला कि वो गोल्ड स्मगलिंग कर रहा था। वो जो आर्टिकल्स है इसमें गोल्ड छिपा हुआ है और उस पर एक केस बुक हुआ 2019 जनवरी 5 को शमशाबाद कस्टम्स के केस। उसके बाद वो पूरी उसका पासपोर्ट इंपोर्ट किया गया, उनका रोजगार है दुबई में वो भी ख़त्म हो गया। उसी टाइम से उसका फाइनेंशियली भी बहुत नुकसान हुआ। उस टाइम पे अकॉर्डिंग टू मुजरिम लोग हमिद जुबैदी उनको प्रॉमिस किया कि उनको फाइनेंशियली हेल्प करेगा, उसको कोई और जॉब दिलवाएगा और केस में भी उनको मदद करेगा, पासपोर्ट वापस दिलाएगा करके वो उसको बोले कि 21 का वर्षा है। और तब से ये लोग नहीं मिले जुबैदी से, नहीं मिल सके हामिद जुबैदी से। एक रिसेंटली उनको पता चला कि ये लॉकडाउन टाइम से इंडिया में रह गया, तो उस दिन सुबह ये लोग जाके उनसे पूछे कि ऐसा आप वादा दिए आपको एक भी आप पूरे नहीं किए, बोलते उसको 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 काउंटर किया उस टाइम पर, लेकिन वो पूरा मना कर दिया और बोला कि मैं कि वो किसी को नहीं जानता और ये किसी से कभी उसका कुछ कारोबार नहीं चला। इससे उनको फ्रस्ट्रेट हुए, ह्यूमिलेट हुए और उसको मारने का प्लान किया। और उसी दिन शाम को जब रोड पे उसको सुबह 11 बजे घर में ये इश्यू हुआ और शाम को 4 बजे उसको गाड़ी को रोक के वहाँ शाम को कत्ल किया। आज चारों को गिरफ्तार किए, उनसे दो टू व्हीलर्स जो ऑफेंस के टाइम पे सीज हुआ, 2 चाकू और 4 मोबाइल फ़ोन सीज हुए। इसमें इन्वेस्टिगेशन में इंस्पेक्टर चांद्रायन मोटा प्रसाद वर्मा, डीए पलकनामा रवि, डीए चांद्रायन मोटा
जैसे गौस खान, चंद्रन मुट्टा, जैसे जाकिर हुसैन, चंद्रन मुट्टा, जैसे जय श्री ने चंद्रन मुट्टा फोर अंडर दी चारों और अंडर द लीडरशिप ऑफ सब उनके घर वालों का कहना है कि वो जो है मॉर्निंग में आके कंप्लेंट दिए थे कि इनको जान का धोखा है, तो किस हद तक सही है और उसके ऊपर क्यों एक्शन है? अगर वो एक्शन लेते तो ये मर्डर नहीं हो सकता, मे बी हो सकता है, हो सकता है वो मॉर्निंग आके ऐसे ऐसे मिले और उस टाइम में बोले कि थोड़ा बिजी है शाम में आने के लिए बोले और वापस घर से ले जाके शाम को आते टाइम में सर ये उन पर एक्शन लिया, सख्त कार्रवाई किया, सस्पेंड भी किए। सर ये मॉर्निंग आवर्स में जब आए थे जुबेदी पीएस को, क्या उनका कंप्लेंट रजिस्टर हुआ था? सर पिटीशन दिया, पिटीशन उसमें केस करने के लिए कुछ ने वो आके उसको धमकी दी क्योंकि हरासमेंट मेरे पे हो रहा है, घर पे भी आके अटैक करे ये बोला ना सर? वो कंप्लेंट पे केस रजिस्टर करना होता। हाँ सर, कोर्ट से परमिशन लेके करना होता, नॉन कॉग्निजिबल कंटेंट्स में कंप्लेंट दिया सुबह, हरासमेंट था ना सर ये? वही हरासमेंट केस जो है वो कोर्ट परमिशन लेके केस बुक करना। सर सर ये गोल्ड केस जो उसके ऊपर हुआ था हामिद के ऊपर, वो इन्वॉल्व था सर जो एयरपोर्ट कस्टम्स? क्या